ज्यादा मिलेंगे इस पे आपको। ओके चलो कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, अलग से क्वेश्चन आएगा ऑप्टेन, तो 2 मार्क्स का यहां तक रहेगा। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया स्टेट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, ये 1 मार्क के लिए। ऑप्टेन एक्सप्रेशंस फॉर वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, आधे मार्क के लिए। ओके वेलोसिटी 1.5 मार्क, ये मिला पूरा इंटीग्रेशन लेके वेलोसिटी मिला 1.5 मार्क। और लास्ट में क्या मिलेगा, क्या फाइंड करना है अपने को, डिस्प्लेसमेंट एक्स फाइंड करना है। ओके समझ में आ रहा, अभी थोड़ा थोड़ा आप होशियार होते जा रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। देखो वापिस से मैं लिखता dx बाय डी टी इज इक्वल टू एस वी, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, सो इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विल बी, बोलो जर्मीन जर्मीन कुरैशी वापिस से सुनो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वी, सो इंटीग्रेशन ऑफ वी इज क्या है जर्मीन, बोलो जल्दी, कौन बोल रहा है, खंसा रीदा जर्मीन डीवी बोलो, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा। डिस्प्लेसमेंट ओके वेरी गुड सैयद नवीद, चलो अच्छा, नहीं तो मैं लेक्चर बंद कर देने वाला था, क्योंकि कितने बार 10 बार एक चीज बोले फिर भी आप याद नहीं रख रहे, तो कुछ पढ़ा के फायदा नहीं। आपको डायरेक्ट एग्जाम में बुलाने वाला था, लेकिन नवीद ने आपको बचा लिया, सही आंसर दिया। चलो इधर ध्यान दो, dx बाय dt इज v, सो v dv इज x। अब अपने को तीसरी चीज फाइंड करना है x, तो कैसा मिलेगा वेलोसिटी से एक्स, कैसा मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, राइट। अपने पास वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, उसका इंटीग्रेशन लेंगे तो मिलेगा एक्स। अब इंटीग्रेशन लेने के टाइम आपको वापिस से याद है, एक्स के साथ dx चाहिए, वी के साथ dv चाहिए, t रहेगा तो dt चाहिए, तो v के जगह मैंने यहाँ लिखा v इज इक्वल टू dx बाय dt, v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, इसकी जगह लिखेंगे तो इक्वेशन आएगा dx बाय डी टी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो x का टर्म ये वाला है, इसको अलग नहीं कर सकते, ये है x का टर्म और dx है इधर, तो dx के साथ इसको ले लेंगे अब, तो इसको नीचे लो, dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी टी को राइट में लेंगे तो आएगा ओमेगा इंटू डी टी, ओमेगा कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल सेपरेट हो गए, एक्स के साथ डी एक्स आ गया। अब यू कैन इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ले सकते हैं आप, तो लिखने का फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की साइन देने की, इसको ऐसी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, या देंगे ओमेगा कॉन्स्टेंट है, ओमेगा को इंटीग्रेशन के बाहर लो, यू विल गेट ओमेगा इंटीग्रेशन डी टी, ठीक है। देखो एनी क्यूरी, अब देखो ध्यान से सुनो, मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन है 4 मार्क्स के लिए आता, इंटीग्रेशन डीएक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
इज इक्वल टू व्हाट? चार मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बड़ा फुल स्केप पेज भर के इसका सॉल्यूशन है। ये जब सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर मैथ्स में आता साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का वैल्यू आता साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक पेज का सॉल्यूशन है जो अपने को फिजिक्स में नहीं है, फिजिक्स में इसका डायरेक्ट आंसर है अपने सिलेबस में, तो डायरेक्ट आंसर लिखने का dx अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब राइट में है इंटीग्रेशन dt, इसका क्या करेंगे? अभी मैंने फॉर्मूला बताया, देखो एक्स स्क्वायर अगर रहेगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज एक्स रेस टू 3/3। इंटीग्रेशन में सिर्फ एक्स रहेगा, एक्स के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब वन है, आंसर आएगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये सबके साथ डी एक्स रहता, सबके साथ क्या जरूरी है डी एक्स, यहां भी डी एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन में सिर्फ डी एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज व्हाट? टेल मी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या रहेगा? बोलो, थोड़ी सी हिंट देता, यहां एक्स यहां कुछ भी नहीं है, मतलब एक्स रेस टू 0 रहेगा, एक्स रेस टू 0 1 रहता। इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 0 डी एक्स इज, अब बोलो नहीं, कैसा होना, मैथ्स वाले भी पढ़ रहे, एक्स के ऊपर 0 है, 0 में एक ऐड करो होगा 1, एक्स रेस टू 1/1 मतलब एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स, याद रखो, खाली देख रहे लेक्चर, पिक्चर देखते वैसा, सीरियल सीरीज देखते वैसा देख रहे आप लेक्चर, ध्यान नहीं दे रहे। देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी, ओके, ओमेगा वैसा के वैसा, ओमेगा टी प्लस अल्फा, अभी अल्फा क्या है, वापिस से कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जब पीछे भी बताया था मैंने, कोई चीज का जब इंटीग्रेशन लेके सॉल्व करते तो उसके साथ एक कांस्टेंट लेना पड़ता, यहाँ कांस्टेंट सी लेने के बजाय क्या लिए, अल्फा, दिस अल्फा इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, उससे पहले देखो साइन इनवर्स को राइट में लेंगे तो क्या होता, साइन, ओके, माइनस वन का हो गया 1। ठीक है, 2 मिनट देखते रहो स्क्रीन, आजान हो रही है, 2 मिनट रुक जाते,
ओके वेलकम बैक। इधर सुनो, इंटीग्रेशन ली हमने, इंटीग्रेशन डीएक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर आया, ये ओमेगा डीटी का आंसर आया। रेहान को क्या प्रॉब्लम है, क्यों स्क्रीन को हाथ लगा रहे हैं, नहीं पढ़ने हो तो चले जाओ, एग्जिट करो। इंटीग्रेशन डी टी इज टी, इसका आंसर आया ओमेगा टी प्लस सी वेयर टेकन, सॉरी इंस्टेड ऑफ सी वेयर टेकन अल्फा, दिस अल्फा इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ साइन इनवर्स टेकन टुवर्ड्स राइट दैट विल बिकम साइन एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, देन टेक दिस ए टुवर्ड्स हियर, यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये मिला एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन मिला। यहां तक क्वेश्चन का आंसर खत्म नहीं हुआ, क्या बचा, अल्फा का वैल्यू फाइंड करके लिखने का, जब पूरे आपको चार मार्क मिलेंगे, इतने आसानी से मार्क नहीं मिलते, ठीक है। अब अल्फा फाइंड करने के अपने को, नाउ देर आर टू केसेस, दो अलग अलग केस है, क्या अलग अलग केस है, फर्स्ट इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजिशन, ध्यान से देखो मैं यहां बनाता, पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, दिस इज द पाथ ऑफ ऑसिलेशन, मीन पोजिशन राइट एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम, पार्टिकल यहां से स्टार्ट होना, ऑसिलेट होना स्टार्ट हुआ, ऐसा यहां से निकला इधर आया फिर इधर आया फिर इधर आया, ऐसा सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां से स्टार्ट हुआ, दो जगह से स्टार्ट हो सकता, एक तो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजिशन और पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन। फर्स्ट केस लेंगे, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजिशन, पार्टिकल स्टार्ट हुआ मतलब टी जीरो, अपने स्टॉप वॉच ऑन किए, ऑन करते टाइम टी जीरो था। अब मीन पोजीशन जो है यहां पर एक्स कितना रहता, जीरो, सो फर्स्ट केस एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड टी इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों वैल्यूज का डालने के अपने को, ये इक्वेशन में कौन से दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन में एक्स का वैल्यू जीरो और ए का वैल्यू भी जीरो डालेंगे, तो देखो इधर जीरो, सॉरी एक्स का वैल्यू जीरो और टी का वैल्यू जीरो, एक्स इज जीरो एंड टी इज जीरो, सो यू विल गेट जीरो इज इक्वल टू ए साइन इंस्टेड ऑफ ओमेगा टी इट इज जीरो प्लस अल्फा, टी जीरो है इसलिए ये पूरा टर्म जीरो गया, ठीक है। अब ये ए को इधर लो, जीरो डिवाइडेड बाय ए इज जीरो, यहाँ क्या बचा साइन अल्फा, ओके साइन अल्फा, ए साइन अल्फा इज जीरो, साइन अल्फा इज जीरो क्योंकि ए चले गया इधर, इधर लेंगे तो जीरो गए, तो फिर क्या मिला अल्फा का वैल्यू, ए साइन अल्फा इज जीरो, सो साइन अल्फा इज जीरो, किसका साइन जीरो रहता, कौन से टर्म का साइन जीरो रहता, कॉन्स्टेंट, क्या बोले 90 का रहता है कि जीरो का रहता, जीरो का, साइन जीरो इज जीरो, साइन 90 इज वन, बराबर साइन अल्फा इज जीरो मतलब अल्फा भी आया जीरो, तो क्या किए हमने, ये जो कॉन्स्टेंट है अल्फा इसकी वैल्यू फाइंड करने का दो केसेस है, फर्स्ट केस के हिसाब से पार्टिकल जब मीन पोजीशन से निकल रहा है अल्फा का वैल्यू आया जीरो, वो अल्फा का वैल्यू जब यहाँ जीरो डालेंगे तो इक्वेशन क्या आया एक्स इज इक्वल टू ए साइन अल्फा, इक्वेशन क्या आया एक्स इज इक्वल टू ए साइन अल्फा, सॉरी एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, पहले क्या था x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा ऐसा था, लेकिन अल्फा जीरो हो गया, इसमें सिर्फ बचा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब दूसरे केस में भी फाइंड करेंगे अल्फा का वैल्यू,
दूसरे केस में क्या है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन, पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा, सिंपल पेंडुलम यहां से ऐसा ऐसा जा रहा वापिस आ रहा, ऐसा ऑसिलेट हो रहा। अब पार्टिकल स्टार्ट्स मतलब टी जीरो, और एक्सट्रीम पोजिशन डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा एम्पलीट्यूड ए, एक्स इज इक्वल टू ए। सो दिस इक्वेशन विल बिकम, ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन कैसा आएगा, एक्स की जगह ए, ए इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, टी जीरो इसलिए ओमेगा टी भी जीरो। अब देखो ए ए कैंसल, यह बच्चा वन, साइन अल्फा इज वन, या तो ए को इधर लो, ए डिवाइडेड बाय ए इज वन, साइन अल्फा इज वन, किसका साइन वन आता, साइन जीरो इज जीरो, साइन नाइनटी इज वन, ओके साइन नाइनटी इज वन, नाइनटी डिग्री में, अपने को डिग्री नहीं लेने का, अपने को लेने का रेडियन, 90 मीन्स पाई बाय टू, 90 मीन्स पाई बाय टू, सो अल्फा इज पाई बाय टू। तो सेकंड केस में अल्फा का वैल्यू जीरो नहीं मिला, अल्फा का वैल्यू मिला पाई बाय टू, वो वैल्यू वो इक्वेशन में वापस डालेंगे तो मिला डिस्प्लेसमेंट विल बी एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, इंस्टेड ऑफ अल्फा we can substitute this pi by 2, x is equal to a sin omega t plus pi by 2। अब 10th में और एक mathematical relation था, sin, एको लिखता मैं, sin 90 plus theta, sin 90 plus theta, बोलो कौन बोल रहा है, हुजैफ, सलमान, इरफान खाली बैठ के देख रहे हैं, अंजुम, नवीद, शिवान, मरियम, साइन 90 प्लस थीटा दसवीं में था, दसवीं पास हो गया है कि नहीं, फिर ऐसे जाके ग्यारहवीं में साइन क्या कॉस थीटा, ओके वेरी गुड, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, ध्यान नहीं था मेरा, कौन बोला आंसर, आंसर मैंने बोला फैज, ओके यस सर, वेरी गुड, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस, सही में पास हो गए फैज खुद की मेहनत से दसवीं, बाकी करने मालूम। सो साइन ओमेगा टी प्लस 90, ये फाइव बाई टू मतलब 90 रहता, साइन 90 प्लस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिला एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक जाके आपके क्वेश्चन का आंसर खत्म हुआ, आपको पूरे 4 out of 4 मार्क्स मिलेंगे यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट बताता फिर बस, ये एक सामने डायग्राम दिख रही है आपके स्क्रीन पर, ये डायग्राम का है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, बॉडी इज परफॉर्मिंग SHM, दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, दिस आल्सो इज एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये पाथ है, दो पोजीशन है, एक मीन एक एक्सट्रीम, तो कहां पर वेलोसिटी मिनिमम रहेगी, कहां मैक्सिमम रहेगी वो देखने का है, कहां पर एक्सेलरेशन मिनिमम मैक्सिमम, किधर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम किधर मैक्सिमम, वो अपने को फाइंड करने का है। देखो डायग्राम में बताता मैं आपको, अब पहले फाइंड करेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें v क्या है, v इज वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी और a डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब मीन पोजीशन पर एक्स रहता जीरो, ये आपको पता है, मीन पोजीशन पर एक्स रहता एक्स इज इक्वल टू जीरो, और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स रहता ए,
एक्सट्रीम पोजीशन एक्स इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, मीन पोजीशन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब मीन पोजीशन पर एक्स इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ एक्स की जगह मैंने लिखा सपोज जीरो, तो आएंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जीरो, अंडर रूट ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर अंडर रूट निकाल लेंगे तो हो जाएगा ए ओमेगा इंटू ए, वी इज इक्वल टू ए ओमेगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है ए ओमेगा, और वो मैक्सिमम कहाँ रहती है, वेलोसिटी इन एस एच एम इज मैक्सिमम एट मीन पोजिशन, इसको डिनोट करते हैं वी मैक्स, मैक्स सफिक्स है वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स इज ए ओमेगा। एमसी की बात है फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, तो आपको ये फॉर्मूला फौरन याद आना चाहिए वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा। अब मिनिमम वेलोसिटी कहाँ रहेंगी, देखो इन द एक्सट्रीम पोजिशन एक्स इज इक्वल टू ए, ये वैल्यू इधर डालूंगा मैं, एक्स के जगह मैं लिखूंगा अगर ए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इट विल बी जीरो, वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। हेंस वेलोसिटी इज मिनिमम इन द एक्सट्रीम पोजिशन एंड इट इज जीरो, वी मिनिमम इज जीरो। ठीक है, वी मिनिमम क्या आया जीरो, जैसे आपको पता है एस एच एम का पाथ है सिंपल पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, इधर जाएगा फिर वापिस आएगा फिर इधर आएगा, तो ये जो वापिस आ रहा है वापिस आने के पहले फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो स्टॉप हो जाता, वापिस आने के पहले स्टॉप हो रहा फिर इधर आ रहा फिर इधर वापिस आने के पहले स्टॉप हो रहा, मतलब एक्सट्रीम पोजिशन पर वेलोसिटी रहती जीरो जो मिनिमम है, और सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहाँ रहती मीन पोजिशन पर मैक्सिमम वो रहती ए ओमेगा। ठीक है, वैसा ही तीन चीजें, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी मीन पर मैक्सिमम, एक्सट्रीम पर मिनिमम। एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम, और एम और डिस्प्लेसमेंट कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम। देखो ये मीन पोजिशन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो मीन्स एक्स इज मिनिमम एट मीन पोजिशन, या डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजिशन। और एक्सेलरेशन के बारे में क्या आएगा बोलो, एक्सेलरेशन किधर मिनिमम और किधर मैक्सिमम, देखो यहां बता दो मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन एस एच एम। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे डायरेक्शन नहीं लेंगे तो माइनस साइन निकल जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो इन एक्सट्रीम पोजिशन एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स का वैल्यू डालेंगे ए तो मिलेगा ए ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर ए। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ है, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम इन द एक्सट्रीम पोजिशन, कितना है मैक्सिमम ए ओमेगा स्क्वायर, इसको बोलेंगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन। और एक्स मीन पोजिशन पर एक्स है जीरो, इसमें एक्स का वैल्यू ए का वैल्यू और इसमें एक्स का वैल्यू जीरो डालेंगे, पूरा एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो, मिनिमम हो जाएगा मीन पोजिशन पर एक्सेलरेशन जीरो। तो आपको तीन चीजें समझ में आई, वेलोसिटी मीन पोजिशन पर मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मीन पोजिशन पर जीरो, और वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजिशन पर जीरो, एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजिशन पर मैक्सिमम। ओके, इतना याद रखो, फिर इस पर कुछ न्यूमरिकल सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में, और उसके बाद इसके अगला पॉइंट सॉल्व करेंगे। तो ये लेसन थोड़ा सा बड़ा है, आगे आगे चलते रहेगा, अभी अपने को ये लेसन और इसके बाद का लेसन दोनों लेसन अपने फर्स्ट टर्म एग्जाम में, फर्स्ट टर्म एग्जाम को तकरीबन एक महीना है तो जब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो किसको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पूछ लो, मैं तो लेक्चर खत्म कर दे। एनी क्यूरी सर, बोलो सर, आपने नोट सेंडिंग किया ग्रुप पर, क्या सेंड नहीं किया नोट्स?
हाँ रीदा, काहे के नोट चाहिए बोलो। सर वो एक क्वेश्चन क्या आपको बोले थे मुझे सामने अच्छा वो शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेसन अभी तक खत्म नहीं हुआ ना, शायद मैडम का लेसन खत्म नहीं हुआ, फिर भी मैं लेसन खत्म हो जाएगा 2-3 एक दो लेक्चर में तो उससे पहले भेज देता हूँ। तो दो नोट्स वो रहेंगे आपके पास, वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक, और बाकी अपने 6 लेसन होंगे, वो 6 नोट्स तो आपको मिल रहे हैं। वो सब नोट्स अच्छे से पढ़ाई करो, टेक्स्ट बुक भी पढ़ो और ये नोट्स भी पढ़ो, और राइटिंग प्रैक्टिस करो, पेपर ऐसा रफ बुक पे क्वेश्चन आंसर लिख के निकालो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, टाइम कम है। चलो और कुछ पूछना होगा तो बोलो। नो सर, नो सर, अल्लाह हाफिज। नो सर, आप ठीक है? खुद से मीना कादरी जय गड़बड़ काम है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।